नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से रामकिशोर वर्मा की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। जनपद मैनपुरी में शुरू हुई हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं, करहल स्थित जैन इंटर कॉलेज पर प्राचार्य ने दिए आवश्यक निर्देश। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर शुरू हुई जनपद मैनपुरी में परीक्षाओं के लिए कुल 91 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के मैनपुरी जिले में कुल 64,597 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रशासन द्वारा नकल को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। जनपद मैनपुरी की सभी कस्बों में सुबह से ही परीक्षा केंद्रों की ओर जाते हुए परीक्षार्थी नजर आए। मैनपुरी, कुरावली, किशनी, कुसमरा आदि स्थानों पर पहले दिन हिंदी के प्रश्न पत्र को लेकर हाई स्कूल की परीक्षार्थी परीक्षा देने अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। कस्बा करहल के जैन इंटर कॉलेज पर प्रधानाचार्य यदुवीर नारायण दुबे ने परीक्षा में शामिल होने आए सभी परीक्षार्थियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। परीक्षा केंद्रों पर अध्यापक एवं अध्यापिका ने लाइन लगाकर छात्र छात्राओं की सघन चेकिंग करते नजर आए। बहरहाल परीक्षार्थियों में अलग सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों का हुजूम नजर आया। आइए सुनाते हैं इस विषय पर प्रधानाचार्य यदुवीर नारायण दुबे का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जी, आज विद्यालय में परीक्षा शुरू, क्या इंतजाम किए गए छात्राओं के और परीक्षा को लेकर? छात्राओं के लिए सर्च की पहली व्यवस्था ये कनात लगा करके व्यवस्था की गई है। यहाँ छात्राओं की सर्च होगी, पहले सर्च होगी उसके बाद ही अंदर एंट्री होगी, और जो छात्र हैं उनके लिए बाहर सर्च की व्यवस्था की गई है। इसके लिए आंतरिक निरीक्षक दस्ता भी लगाया गया है और पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है, कहीं भी नकल की कहीं कोई एक पैसे की भी गुंजाइश नहीं बची है। अच्छा, बताते हैं नकलविहीन परीक्षाओं के लिए विद्यालय वैसे जाना जाता है, इस बारे में क्या कहना आपका? हाँ, नकलविहीन परीक्षाएं तो यहाँ सदैव से ही होती रही है। गृह परीक्षाएं भी एकदम नकलविहीन होती हैं, और ये कोई जो इस वर्ष सरकार ज्यादा फोकस कर रही है इस तरह की, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। यहाँ इतने फोकस में तो हम हमेशा ही कराते हैं।